एंड टुडे आई विश दैट यू ऑल विल लव दिस वीडियो अ लॉट। सो मैं आज मेरे ग्रैंडफादर के घर आई हूँ, मेरे नाना जी के घर आया हूँ। सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो इसे बहुत सारा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा इस चैनल को। और आज मैं मेरे नाना जी के घर आई हूँ और आज हम बहुत मस्ती करने वाले हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी गैस पे चाय बन रहा है और वहाँ चूल्हा पे कुछ बन रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन आप गुड डिलीशियस, चूल्हे पे मटन बन रहा, मींस बन नहीं रहा बट बनने वाला है। सो ये है हमारे आज के शेफ, मेरे पापा जी। सो अभी तेल तो डाला ही गया, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी और एक जगह पे मछली, मेरा फेवरेट फिश बन रहा है और इसको मैरिनेट करके रखा गया था और अभी इसको फ्राई किया जा रहा है। सो ये फिश फ्राई किया जा रहा है और ये हाफ फ्राई तो हो ही चुका है। मेरे बारे में चुगली करने में एक्सपर्ट है, तो वो अभी मेरे नाना जी से मेरे बारे में चुगली कर रही है। तो आप लोग इसे देख के बोर ना हो जाए, इसलिए मैं और कुछ दिखाती हूँ। So she is a girl who is like my sister only. I treat her like a sister and her name is Pani. I'm just Odia, but I'm trying to say in Hindi because I want that this video goes to all the world of the or India, anything. So, ये भी बोलिए कि हम छत के ऊपर जाना है, ऐसे जो हम जाएंगे तो मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। और जब तक हम नहीं जाते छत के ऊपर, तब तक मैं आपको मेरे नाना जी का गार्डन दिखाती हूँ। ये उन्होंने खुद लगाया अपने हाथों से, जो कि बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और बाद हम वहां से भी आपको पूरे विलेज का नजारा भी दिखाएंगे। सो हम जा रहे हैं खुल खुल वहां से। ये बहुत टाइट है, जो खुल नहीं रहा, बहुत नॉटी भी है। अरे यार खुलता क्यों नहीं है? सो हम दोनों मिलके भी इसे खुल नहीं पा रहे। मैं बहुत शायद मुझे ही कुछ करना होगा। बॉडी भी सुन रही जोर से टन जोर से टन ली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं खुल रहा है, खुशी की बात है। तो खुल भी गया, लेट्स गो। इन दिनों के बाद आई हूँ ना। सो यहाँ से पूरा नज़ारा ऐसा कुछ दिखता है कि मन ही शांत हो जाए। ये सारे बड़े बड़े कोकोनट ट्रीज मन को पूरा शांत करते हैं। ओह वाओ, ये हमारे नाइवुड का नज़ारा। ये हमारे फ्रंट साइड में रहते हैं हमारे नाइवर जैसे, और ये हमारे भी फ्रंट साइड में, ये सॉरी ये हमारे साइड में रहते हैं ये जैसे हमारे नाइवर जैसे हैं। और
ये अभी कपड़े सुखा रही है, गीले कपड़े भी थे कुछ तो वो सुखा रही है। और यहाँ पर बहुत सारे मंकीज भी आते हैं जो वो हंसाते भी हैं, हंसाते हैं लेकिन कुछों को पकड़ के भी मारते हैं बहुत। सो इस तरफ से वो यहाँ का नज़ारा अच्छा दिखता है। और मेरा एक भाई है जो यहाँ से बंदरों की चढ़ा, बंदरों की तरह कूद के यहाँ से नीचे भी जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। पता नहीं कैसे यहाँ से नीचे तक जाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं मेरा कहना है, पर कुछ लोगों के लिए शायद ये आसान हो। सो यहाँ पर मैं जब आती हूँ एक गॉड को तो पकड़ के ही जाती हूँ, जैसे कि ये, लेकिन कोरोना के वजह से ना यहाँ पर ताला ही लगा है, सो हम अंदर बंद है, हम बाहर भी नहीं जा सकते, सिर्फ इस छत के ऊपर ही आके नज़ारा देख सकते हैं। और शायद फिश फ्राई हो चुका है, सो अभी तेल के बाद अभी शायद कुछ गिरा है। तेल के बाद क्या है? तेल, ओनली तेल। और उसके बाद हम ऑनियन डालेंगे, वो ऑनियन फ्राई होगा जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, उसे पकाते रहिए पकाते रहिए पकाते रहिए। और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट और उसके बाद उसको भी उस ऑनियन के साथ मिला दीजिए। बहुत इजी है राइट? और उसके बाद टमाटो, और भी टमाटोज, और उसके बाद और भी टमाटोज, जब तक मन ना भरे तब तक टमाटोज डाले। और उसके बाद चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर डाला गया, रेड चिली पाउडर एक स्पून। बहुत ही गर्म, और अभी मिर्चे वाली पेस्ट गिरा और उसे भी फ्राई कर रही हूँ। वन स्पून जिंजर वाली पेस्ट नहीं तो हालत ही खराब कर दिया। और उसके बाद और एक नहीं, और एक नहीं, उसके बाद और बचा कुचा रेड चिली पाउडर भी डाल दो। ग्रह मैं लग रहा है कि मैं इसे नहीं खा पाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत चिली पाउडर डाला गया है, जो कि मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा। तो छोटे छोटे आलूओं को पहले डालिएगा, पोटैटोज को। उसके बाद उसको भी उसके साथ ऐड कीजिए। तो उसे अभी कवर कर लीजिए उस कवर से। It was very tough to breathe because of the gravy made by my father and mother. Both are involved in this. So, इसे हम अभी 5 minutes के लिए ढक रहे हैं और इसीलिए अब 5 minutes तक तो आप इसे नहीं देख सकते, so आप बोर भी हो सकते हैं। तो मैं आपको कुछ और कुछ दिखाती हूँ। Now my nani ji, my grandmother, my mother's mother is making pan. And I don't like it. Do you like? I think so, you should. So, इन्होंने चूना लगा दिया है जैसे कि वो मेरे नाना जी के पास लगा है। और उसके बाद क्या डाला पता नहीं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शायद आपको पता है। So, अभी मेरी नानी जी का और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट उन्होंने
स्पेशल और सीक्रेट खाना बोल रही थी, ये स्पेशल है बट मुझे नहीं लगता। अभी और कुछ से कोई सीक्रेट जगह पर जा रहे हैं, तो हम भी उसी को फॉलो करते करते वहां तक पहुंच जाएंगे। Oh my God, it's too long. Let's follow. Means यहाँ पर वेस्ट हो रहा है? Oh, I don't care. Because मैं इसे वेस्ट नहीं होने देती, बल्कि मजे से वेस्ट करती हूँ। नहीं, वेस्ट नहीं करती, बल्कि थोड़ा मजा तो होना ही चाहिए। उसको मैंने पहले ऐसे उठाया, फिर सीधा किया, देन यहाँ पर उसके टॉप पे उसे प्रेस कर दिया और तो वो फाउंटेन हो गया। हाँ जी, इट्स सो फनी, वो मेरे ऊपर भी पड़ कर रहा है। और ये है सेकंड टाइम। तो इसे करने से एक फायदा है कि यहाँ पर जो भी सारे हैं ना वो भीग भी जाते हैं, सारे प्लांट्स को प्लांट भी कर देती हूँ, वाटर भी कर देती हूँ और धीरे धीरे इसको कम आ रहा है। So let's race with the tree. देखते हैं कौन ऊपर जाता है। नहीं, सर ट्री ही जीतेगा। ये बहुत भारी था, ये just too heavy, so I wanna go to rest. So as my hobby, मैं बहुत सारे drawings भी करती हूँ और इनमें से मेरी एक drawing है ये जो कि अभी complete नहीं हुई है और शायद complete होने के बाद मैं मेरे नाना जी को दिखाऊंगी और वो फिर मुझे marks देंगे और फिर मुझे मेरे भैया के साथ competition करना होगा किसकी drawing अच्छी है। वैसे तो उनकी drawing इतनी भी अच्छी नहीं है और मेरी उनसे थोड़ी better है। हाँ, कोशिश कर रही हूँ कि best कर सकूँ। तो अभी कवर हट गया और फिश में पानी भी आ गया है, पानी डाला जा चुका है और ये फिश कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि बहुत टेस्टी भी दिख रहा है। ओह, सो टेस्टी। और अभी ये बन चुका है लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा मींस वार्म किया जा रहा है ताकि इसमें सारी जर्म्स खत्म हो जाए, पूरा खत्म। जैसे ही यहाँ से मेरे पेट में जाते ही पूरा खत्म हो जाएगा। सो ये अभी आखिरी मोड में है जो कि उतरने वाला है चूल्हे से, जो कि पूरा बन चुका है और उतरने वाला जो और उसके बाद और कुछ बनेगा जो कि मेरा फेवरेट है, बहुत ज्यादा ही उसके बाद शायद और कुछ बन गया। सो अभी और एक टाइप का फिश करी बनने वाला है तेल के बाद, अभी और कुछ स्पाइसेस डालेंगे सब। करी पत्ता है तेल में ही फ्राई करो और उसके बाद और एक सारा
भी ट्राई करना है क्योंकि सो अभी रेड चिली पाउडर डाला जा रहा है जो कि बहुत क्योंकि देसी है तो मेरी मम्मी भी जानबूझकर बहुत सारा डाल दिया मेरे लिए। मैं बहुत अच्छे से खा लेती हूँ ना इसे। और थोड़ा पानी और ये उसी फ्राई के साथ एक करी बन रहा है जो कि बहुत टेस्टी लगता है। So, मटन हो चुका है पर और थोड़ा गर्म जैसे कि हमने बिल्कुल स्किप पिछली आइटम में किया था गर्म ताकि जब सब
मटन पक्के रेडी हो चुका है, बस इसको परोसना बाकी है। इसको सबको सर्व करने के बाद हम खाएंगे इसे। और ये बहुत टेस्टी दिख तो रहा है, पता नहीं खाने में कैसा होगा। एज इट इज मेड बाय माय मामा। और यहाँ हमारे और एक गार्डन के पार्ट में यहाँ पुदीना है और यहाँ पे एक नींबू भी है, जहाँ से मेरी मम्मी पुदीना लाई है और नींबू भी लाई है शायद। हाँ, ये भी हमारे गार्डन का ही है और ये बहुत खट्टा है, तो वो खा ही नहीं सकते। तो अभी हम सबको परोसा जा रहा है और ये है मेरा प्लेट। और हम अभी खाने वाले हैं और अभी हमें सर्व करना कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होने वाला है। ओके, सो ये है मेरे नानू का प्लेट और ये है मटन और ये फिश, ये है हमारा फिश फ्राई और ये है सलाद और ये राइस। और मेरी नानू जी का खाना अभी स्टार्ट हुआ है और मेरा उनके साथ खाना स्टार्ट होगा, लेकिन मैं आज थोड़ी लेट हो रही हूँ। ये हम सबका प्लेट, ये मेरी नानू जी का, ये मेरा, ये मेरी मम्मी का, ये मेरे पापा का और ये है पान का। और ये है मेरी नानी जी जो कि अभी टेबल पे बैठ के खा रही है ऊपर। और ये है हमारे नाना जी के गार्डन का मिर्च, देखी मिर्च। So now we have finished taking our lunch and I wanna some rest. Before resting मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा एक फिशिंग हो रहा है, यहाँ पर फिशिंग हो रहा है हमारा। मेरे एक और एक नानू जी हैं जो अभी फिशिंग कर रहे हैं किसी पॉन्ड में, तो let's see that, okay? So यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं मेरे एक और एक नानू जी। तो उनके जानों में मछली बहुत जल्दी फंस जाता है। तो अभी मेरे एक मामा जी यहाँ से पास होके गए, सो उन्होंने मुझे पूछा, हाय व्हाट्स अप। हाँ, यही हमारा है। और कुछ जो फिशेस है छोटी छोटी, वो बाय मिस्टेक ही आ जाती हैं, वो तो बड़े फिशेस पकड़ रहे हैं। और ज़्यादा देर तक तो वो मीन्स वो सुबह से पकड़ रहे हैं, ज़्यादा देर मीन्स बहुत देर हो चुकी है पकड़ रहे हैं वो, हम आने से पहले वो पकड़ रहे थे। मैं बहुत थक चुकी हूँ, ज़्यादा खा लिया था थोड़ा, लिमिटेड अनलिमिटेड मेरी मम्मी ने बोला कि आज आई हो तो आज अनलिमिटेड खा लिया, सो मैंने भी उनकी बात मानी और अनलिमिटेड खा लिया। So this is today's video. Hope you all have liked our video a lot. Please like, share and subscribe our videos, and also please comment on our videos so that I can read your comments and can react on them. Thanks for watching.